दोस्तों आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े बड़े जानवरों के बारे में बताएंगे, जो कि अगर धरती पर आज भी मौजूद होते तो इंसानों के लिए बस तबाही और कयामत का रूप होते। और इतने खतरनाक जानवरों को इंसान अपनी सारी ताकत और दिमाग लगाकर भी कंट्रोल नहीं कर पाते। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी ही नॉलेजेबल और मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको पहले से लेकर अब तक के सबसे बड़े बड़े जानवरों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखते रहें और हमारी मेहनत के लिए वीडियो को अभी लाइक भी जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पैरासेरा थेरियम। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया के सबसे बड़े जानवरों में हमने हाथी को शुमार नहीं किया, क्योंकि इस लिस्ट में हाथी से भी बड़े बड़े जानवरों को शुमार किया गया है। दोस्तों इस जानवर को दुनिया के सबसे बड़े मेमन का टाइटल भी मिला हुआ है। दोस्तों ये जानवर जब खड़े होकर चलते थे तो इनकी लंबाई 7 मीटर यानी 24 फीट तक पहुंच जाती थी, जो कि जिराफ से भी ऊंची थी। अगर इस जानवर के वजन की बात करें तो इस जानवर का वजन 150 से 200 क्विंटल तक होता था। इस जानवर की एक अच्छी बात ये थी कि ये जानवर भी हाथी की तरह खतरनाक नहीं थे, क्योंकि ये जानवर भी शाहकारी जानवर की लिस्ट में आते थे। हाँ वो बात अलग है, इनका साइज बड़ा और वजनी होने की वजह से ये जानवर आदमी के लिए खतरा साबित हो सकते थे। दोस्तों ये जानवर काफी टाइम से धरती से लुप्त हो चुका है, लेकिन बीते कई सालों में कई देश जापान, रशिया, चाइना और अफ्रीका की अलग अलग जगह से इन जानवरों की कंकाल पाई गई हैं, जो कि म्यूजियम में पब्लिक को दिखाने के लिए रख दी गई हैं। टाइटेनोबोआ। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि आज के समय में पाइथन और एनाकोंडा को दुनिया के सबसे बड़े सांपों के रूप में गिना जाता है। दोस्तों ऐसे कई मामले सामने आए जहां पर हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़े बड़े पाइथन और एनाकोंडा निकलकर सामने आए, जिन्हें देखकर आम इंसानों की रूही कांप गई। और दोस्तों पाइथन और एनाकोंडा ये दोनों ही टाइटेनोबोआ के सामने कुछ भी नहीं है। इनकी लंबाई 42 फीट और वजन 1200 किलोग्राम तक होता था। माना जाता है ये सांप साउथ अमेरिका के जंगलों में 6 करोड़ साल पहले पाए जाते थे। ये एक बिना जहर वाला सांप था, जो कि शिकार को अपनी पूंछ से लपेट कर मार देता था। ऐसा आपने एनाकोंडा मूवी में भी देखा होगा। दोस्तों पहली बार इस सांप का कंकाल कोलंबिया की कोयला खदान में पाया गया। ये इकलौता ऐसा सांप था जो कि डायनासोर तक को मारने की ताकत रखता था। स्पाइनोसॉरस। इस डायनासोर को ये नाम इसके बाहर निकले इस स्पाइनल बोल की वजह से दिया गया है। दोस्तों इन डायनासोर को आपने हॉलीवुड फिल्मों में तो खूब देखा ही होगा कि आखिर ये किस तरीके से दिखते थे और कैसे ये अपना शिकार करते थे। ये दुनिया के सबसे बड़े मांसाहारी डायनासोर थे, जो 60 फीट लंबे होते थे और इनका वजन 7500 किलोग्राम तक होता था। इतने बड़े साइज होने के बाद भी ये डायनासोर सिर्फ शार्क या छोटे मोटे जानवर को ही खाया करते थे। इन डायनासोर के कुछ अवशेष नॉर्थ अफ्रीका के कुछ स्थानों पर पाए गए हैं, जिससे ये माना जाता है इनका दबदबा नॉर्थ अफ्रीका वे उसके आसपास के इलाकों में ज्यादा था। दोस्तों ये जानवर धरती से लगभग 11 करोड़ साल पहले विलुप्त हो चुका है। क्रोनोसोरस। ये धरती पर 15 करोड़ साल पहले पाए जाते थे। माना जाता है ये अपने समय में पूरे समुद्र पर राज करते थे। ये एक मांसाहारी जानवर था, जो कि अपने सामने आने वाली हर चीज को खा जाया करते थे। हाल ही में रिसर्च को इसका एक दांत भी मिला है, जिसका साइज 30 सेंटीमीटर तक है। साइंटिस्टों के अनुमान के मुताबिक इस क्रोनोसोरस की लंबाई 40 फीट और वजन 11,000 किलोग्राम तक हो सकता था। सर्कोसुकस। दोस्तों इस खतरनाक जानवर को दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक मगरमच्छ होने का खिताब मिला हुआ है।
इसका जबड़ा इतना खतरनाक है कि ये समुद्र में मौजूद हर चीज को अपना शिकार बना लेता था। इस खूंखार जानवर की लंबाई 40 फीट और वजन 9000 किलोग्राम तक होता था। जियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये जानवर धरती से 10 करोड़ साल पहले विलुप्त हो गए। इस जानवर के बारे में इंसानों को साल 1950 में पता चला। साल 1950 में सारा रेगिस्तान में इस विशाल जानवर का ढांचा मिला था। इस जानवर के मुंह में 130 बड़े बड़े नुकीले दांत थे, जिसकी वजह से ये आसानी से छोटे और मीडियम साइज के डायनासोर को मार गिराता था। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये प्रजाति अपने टाइम में कितनी खतरनाक रही होगी। व्हेल शार्क। दोस्तों, जब भी दुनिया के सबसे बड़े जानवरों की बात होती है तो उसमें व्हेल शार्क का नाम जरूर आता है। दोस्तों, ये मछली दुनिया की सबसे बड़ी मछली है। इसका साइंटिफिक नाम राइनोकोडन टाइपस है, जो कि पानी में बहुत ही धीमे चलने वाली फिश है, क्योंकि इसका वजन बहुत ही ज्यादा है। इनका वजन लगभग 18,000 किलोग्राम तक होता है। इनकी लंबाई की बात करें तो इनकी लंबाई 45 फीट तक होती है, और अगर इनकी उम्र की बात करें तो इनकी उम्र 150 साल तक लंबी होती है। दोस्तों, इनके नाम में शार्क है तो आपको लग रहा होगा ये मछली खतरनाक होगी, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मछली समुद्र की गहराई में रहती है और पेड़ पौधों को ही खाती है। ये आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। ये आदमी के साथ काफी बार तैरती हुई देखी गई है। लीड सीच थिस। दोस्तों, वैसे तो आज के समय में व्हेल शार्क दुनिया की सबसे बड़ी मछली है, पर कई साल पहले व्हेल शार्क इन मछली के सामने कुछ भी नहीं थी। इस मछली की खोज सबसे पहले 1847 में हुई थी। उस समय जब इस मछली के कंकाल को खोजा गया तो ये माना गया इसकी लंबाई 60 फीट तक होगी, लेकिन कुछ साल बाद इसके शरीर का एक और कंकाल मिला तो बताया गया इसकी लंबाई 200 फीट तक थी और इनका वजन 45,000 किलोग्राम तक हो सकता था। ये मछली भी व्हेल शार्क की तरह पेड़ पौधों को खाकर अपना पेट भरती थी। रिसर्च को इस मछली के कंकाल इंग्लैंड, फ्रांस, चीन और जर्मन के समुद्र में से मिले हैं, जो 16 करोड़ साल पहले इस धरती से विलुप्त हो चुकी है। अर्जेंटोनोसोरस। दोस्तों, ये डायनासोर धरती का सबसे बड़ा डायनासोर था। ये डायनासोर सबसे लंबा ही नहीं, सबसे ऊंचा डायनासोर भी था। इनकी हाइट 22 फीट और वजन 1,00,000 किलोग्राम तक होता था। अंडों से निकलने के बाद ये जानवर 40 साल में 1,00,000 किलो तक का हो जाता था। ये एक शाहकारी डायनासोर थे जो सिर्फ पेड़ पौधों को खाकर अपना पेट भरते थे। मेगालोडॉन। दोस्तों, इस खतरनाक मछली को तो शायद आप जानते भी होंगे, क्योंकि हॉलीवुड में 2018 में इस मछली के ऊपर द मेग नाम से मूवी भी बन चुकी है। दोस्तों, इस मछली को दुनिया की सबसे बड़ी शार्क मछली होने का खिताब भी मिला हुआ है। ये मछली अपने बड़े चौड़े और विशाल मुंह के कारण बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। इसके नुकीले बड़े बड़े खतरनाक दांत पत्थर को भी चूरा बना सकते हैं। मेगालोडॉन की लंबाई 60 फीट और वजन 70,000 किलोग्राम तक होता था। ये मछली अपना पेट व्हेल, डॉल्फिन और शार्क मछली को खाकर भरती थी, जो कि बड़े आश्चर्यजनक बात है। वैसे तो ये मछली 1 करोड़ साल पहले विलुप्त हो चुकी है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये मछली समुद्र की गहराई में आज भी मौजूद है। द ब्लू व्हेल। दोस्तों, ब्लू व्हेल फिश को कौन नहीं जानता है। ये आज वर्तमान में सबसे बड़ी जानवर की प्रजाति का खिताब जीत चुका है। आज के समय में इससे बड़ा जीव हमारी पृथ्वी पर और कोई नहीं है। इस मछली का वजन 1,60,000 किलोग्राम तक हो सकता है और इसकी लंबाई 100 फीट तक होती है। ये एक टाइम में एक हाथी की जितनी खुराक खाती है।
ये 100% शुद्ध शाकाहारी जीव है जो कि समुद्र के पेड़ पौधों को खाकर अपना पेट भरती है। इसलिए इस मछली से किसी भी जानवर या इंसान को कोई खतरा नहीं है। ये मछली इतनी बड़ी और वजनी होने के बाद भी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से दौड़ सकती है, जो कि अपने आप में बड़ी ही चौंकाने वाली बात है। और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी बात, अगर हम इससे भी अच्छी वीडियो बनाएं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।